हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंजेश और आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लॉक, यानी घड़ी। ठीक है कि इसका क्वेश्चन एक आता ही आता है। इसमें या तो ये एंगल पूछ लेगा कि इनके बीच का कोण कितने का है, ठीक है, या तो क्या करेगा, या तो कोई घड़ी दे देगा, उसमें कोई टाइम होगा उसका, अब या तो एक मिरर इमेज दे देगा, ठीक है, कि उसमें एक मिरर इमेज बनेगा तो उसमें कितना टाइम होगा। एक उसमें क्या होता है, उस क्लॉक में 12 तक नंबर होते हैं, ठीक। एक मिनट की सुई होगी, एक घंटे की होगी, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, जनरली किसी भी एक घड़ी में तीन सुइयां होती हैं। तीसरा होता है सेकंड का, तीसरा क्या होता है, सेकंड का होता है। पहला ये हो गया मिनट का, ये हो गया घंटे का, और तीसरी जो हो गई ये हो गया किसका, ये सेकंड का कांटा हो गया, ठीक है। ये जो सुई है, ये जो कांटा है, ये किसका है, ये सेकंड का कांटा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको इस कांटे के बारे में नहीं पढ़ना। जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो इस कांटे के बारे में नहीं आता है, वो सेकंड के सुई के बारे में नहीं आता, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको मिनट के बारे में पढ़ना है और घंटे के कांटे के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे छोटा होता है घंटे का कांटा, मिनट का कांटा हो गया, सेकंड का कांटा। तो इसके बारे में हम क्या जानेंगे, शुरू करते हैं कि जो सेकंड का कांटा होता है, ठीक है, और जैसे ये पूरा एक राउंड मार के आएगा सेकंड का कांटा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक मिनट, ठीक है। 12 से 1 के बीच में कितना मिनट है, 5 मिनट है। 12 से 1 के बीच में कितना टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो ये पूरा जब राउंड मारेगा, 12 है, 12 पंचे 60, ठीक है, 60 मिनट। अब जब ये क्या होगा कि ये जब पूरा एक राउंड मारेगा हमारा मिनट का कांटा, तब क्या होगा, हमारा 60 मिनट बनेगा, और जो घंटे का कांटा होगा वो 12 से घूम के 1 तक आएगा, तो क्या कहलाएगा, 1 घंटा। वो क्या कहलाएगा, 1 घंटा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब इनके बारे में एंगल्स जानना है, ठीक है, कि जो घड़ी है हमारी, ठीक है, ये जो घड़ी है, अब पूरा है तो एक सर्कल ही, जो घड़ी हमारी वो क्या है, एक सर्कल है, एक वृत्त है। तो इस घड़ी में, इस सर्कल में कितने का टोटल एंगल होगा, 360 डिग्री का टोटल एंगल होगा, ठीक है। टोटल एंगल कितने का होगा, 360 डिग्री का। अब ये क्या है कि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स कितने हैं, 12 नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पर 12 से 1 जब आएगा, ठीक है, जब कांटा 12 से 1 आएगा, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, जब 12 टोटल है तो 1 का कितना होगा, 12 तेरह 36, कितने का होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि 12 से 1 के बीच में कितना टाइम है, 12 से 1 के बीच में कितना टाइम है, 5 मिनट का। 5 मिनट के टाइम में 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। अब जब 30 डिग्री का एंगल है तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में होगा 6 डिग्री का। इसका क्या होगा, हम जब इसका एंगल्स पढ़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि भाई इनके बीच का जो एंगल होता है वो कैसे निकाला जाता है। अभी क्या करेंगे, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। आज हम पढ़ेंगे इसकी मिरर इमेज, ठीक है, और बॉर्डर नो, ठीक। अब ये क्या है कि अगर बाग ये जो कांटा है इसका ऐसे जा रहा है, ये घंटे का कांटा है, और ये मिनट का कांटा, ये क्या है, मिनट का कांटा। अगर घड़ी में 4 बज रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें क्या होगा, जो इसका मिरर इमेज बन रहा है उसमें ये किस तरह का दिखेगा, ठीक है, तो ये किस तरह का दिखेगा, ठीक है,
ये जो घड़ी है इसमें सेम टू सेम इनका क्या होगा, कांटा जो होगा जो पहले दिख रहा है जो मिरर के जितना पास होगा वो मिरर की दूसरी साइड भी उतना ही पास होगा, ठीक है, जो ज़्यादा दूर है वो दूर रहेगा। तो अब इसका जो कांटा बनाएंगे, कांटा कैसे बनाएंगे, कांटा इसका बना होगा कि ये क्या है, इसकी तरफ है तीन के नीचे, तो यहाँ से आएगा ये तीन के नीचे और ये ऊपर बारह में, ठीक है, ये क्या है इसका मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है, साइड में दिखता है, ठीक है, या तो इधर साइड मिरर लगा देगा या तो इधर साइड मिरर लगा देगा। तो ये क्या होगा, हमको इसका मिरर इमेज में बताना है कि टाइम कितना हो रहा है। अब जब ये सवाल पूछेगा कि अगर किसी क्लॉक में किसी घड़ी में चार बज रहे हैं, ठीक है, किसी घड़ी में चार बज रहे हैं तो उसका मिरर इमेज में वो कितना टाइम होगा, ठीक है, तो उसके मिरर इमेज में कितना टाइम होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे फिर उसके बाद इसको गिनेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, ये इसके तरफ पास है ये इसके पास है, तो यानी कि क्या हो रहा है इसमें हमको घड़ी कैसा दिख रहा है, घड़ी में ये आठ बज रहा दिख रहा है, ठीक है। जब हम रियल घड़ी देखेंगे तो ये क्या होता है, ये आठ बजा हुआ है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसकी मिरर इमेज। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब क्या है, अब अगर इस घड़ी में दो बज रहे हैं, ठीक है, ढाई बज रहे हैं, अगर इस घड़ी में ढाई बज रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें कितना टाइम हो रहा होगा। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा ये यहां पे, तो ये मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ढाई बज रहा है, तो इसमें कितना बजेगा, इसमें हमको तीन और चार के बीच में दिख रहा है, ये हो जाएगा साढ़े नौ, कितना बज रहा है, साढ़े नौ। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमको सवाल दिया रहेगा तो हम उसको थोड़ी ना बार बार ड्रॉ करने जाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, मिरर इमेज में जब हमको सवाल पूछेगा कि अगर किसी घड़ी में ढाई बज रहा है तो उसका मिरर इमेज में कितना टाइम हो रहा होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बार बार घड़ी ड्रॉ करें और उसमें हम लोग टाइम सेट करते रहें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बना हुआ है एक ट्रिक। अब क्या है, जब मिरर इमेज सॉल्व करते हैं तो मिरर इमेज में क्या होता है, एक ट्रिक होता है, कैसे टाइम पता करते हैं, मिरर इमेज में टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम जब भी कोई मिरर इमेज बनेगा उसमें टोटल टाइम 12 घंटे का होगा। टोटल टाइम कितना होगा, 12 घंटे का होगा। अगर हमको सवाल में पूछा, अगर हमको सवाल में क्या पूछा कि अगर उसमें चार बज रहे हैं, तो अगर मेन घड़ी में कितना बज रहा है, चार बज रहा है, फोर ओ क्लॉक हो रहा है, तो उसकी मिरर इमेज में कितना बनेगा, तो हमको 12 से लेना है ना कि टोटल कितना होता है, 12 घंटे, तो 12 में से जब चार गया तो ये कितना बचा, आठ, तो इसमें कितना बचेगा, एट ओ क्लॉक बचेगा। यानी कि मिरर इमेज और मेन घड़ी जो होगी, जो मिरर क्लॉक होगी और जो मेन क्लॉक होगी, दोनों का जो टाइम होगा, उन दोनों टाइम को जब ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना आएगा, 12 आएगा। टोटल टाइम कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, अगर मेन घड़ी में हमको कितना दे दिया, चार बज रहा है, तो उसके मिरर इमेज मिरर में जो क्लॉक होगी तो उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, उसके जो मिरर इमेज होगा उसमें कितना टाइम हो रहा होगा, 8 o'clock का टाइम होता रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि मिरर इमेज में टोटल टाइम कितना होता है, टोटल टाइम होता है 12 घंटा,
ठीक है। अब हमको क्या है, बार बार इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमको इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया है कि जो मिरर इमेज होता है, मिरर इमेज में टोटल 12 घंटे होंगे। ठीक है, अगर हमको सवाल मिला कि हमारे जो घड़ी है, हमारी घड़ी में कितना बज रहा है, डेढ़ बज रहा है, हमारी घड़ी में कितना बज रहा है, डेढ़ बज रहा है, तो उसकी मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा। ठीक है, अब हमने बताया कि टोटल कितना होगा, उसमें टोटल कितना होगा, टोटल 12 घंटे हैं। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो मेन क्लॉक है, मेन क्लॉक और मिरर क्लॉक दोनों को जब ऐड करेंगे तब 12 बजेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 12 बजेगा, एक में डेढ़ बज रहा है तो दूसरे में क्या होगा, इसको घटा देंगे। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो अब ये क्या होगा, अब ये 100 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करना, यहाँ पे ये 100 नहीं होगा, क्योंकि एक एक घंटे में कितना टाइम होता है, 60 मिनट होता है, तो इसलिए ये 100 नहीं बनेगा, ये 60 बनेगा। तो ये जब 60 से 6 से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 11, 11 से 1 गया कितना बचा, 10। तो जो हमारा मिरर इमेज होगा तो मिरर इमेज में कितना टाइम हो जाएगा, 10:30 बजे, मिरर इमेज में कितना टाइम हो रहा होगा, 10:30 का टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करते तो हमको यहाँ पे भी दिक्कत होती है, इस जगह पे भी हमको दिक्कत होती है कि जब हमको ऐसा दिया होता तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा कराते हैं, इसको माइनस करने को बोला तो ये किया, ये 70 कराए, अब 10:70 तो 10:70 तो होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग एक 10 बना लेते हैं, 10 मिनट का और 60 मिनट का एक घंटा, तो 11:10 कराते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमको क्या करना है, नहीं करना है, तो इसको थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे तब इसको थोड़ा सा संभाल के करना है। क्या संभाल के करना है, कि जब इसको सॉल्व करेंगे 12 घंटे का समय है, उसमें से हमको जब डेढ़ घंटे निकालने हैं तो क्या करना होगा, कि जब 12 को हम लोग पहले से 11 कर लेते हैं, 12 को पहले से 11 कर लेते हैं और 60 मिनट अलग से रख देते हैं, क्योंकि 60 मिनट का मतलब भी एक घंटा होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इससे इसको घटाएं, अब जब इससे इसको घटाएंगे 60 से 30 गया तो बचा 30 और 11 से 1 गया बचा 10, तो टाइम कितना होगा, 10:30। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल जो क्वेश्चन होंगे उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा, जैसे एक दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि जो मेन घड़ी है उसमें कितना बचा हुआ है, एक बचा हुआ है। ठीक है, तो उसकी मिरर इमेज में कितना बन रहा होगा, उसकी मिरर इमेज में एक घटाएंगे कितना बजेगा, 11 बजे होंगे। ठीक है, तो ये सरल सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, बहुत कम चांसेस है कि सीधा पूछ ले कि मिरर इमेज में कितना बजेगा, अगर मेन घड़ी में एक बज रहा है या फिर 4 बज रहा है या फिर 8 बज रहा है, तो ऐसे सवाल तो हम लोग आसानी से कर लेंगे कि 4 में 8 जोड़ेंगे तब 12 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तब 12 होगा, 6 है अगर तो 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 होगा, तो मिरर इमेज में भी 6 बज रहे होंगे। ठीक है, हमसे सवाल कहाँ पूछेगा, हमसे सवाल ये पूछेगा कि अगर मेन घड़ी में, अगर मेन घड़ी में 3 बजे, ठीक है, तो 30 मिनट का होगा या 40 मिनट का होगा या 20 मिनट का होगा, ये उसके ऊपर है, पर जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको क्या करना है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको 12 से जब घटा रहे होंगे तो हमको क्या करना है, हमको ये चीज़ ध्यान में देना है कि 60 होगा, ये 60 मिनट होगा, ये 100 मिनट नहीं करना है। ठीक है,